गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद्या पूर्णिमा। आज तारीख है 4 अप्रैल 2020 और आज से जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं आप इस वीडियो में देखिएगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे ब्लॉग दोनों से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस कोरोना के राज में हमें घर में रहना है और बाहर नहीं निकालना जब तक ज़्यादा आवश्यकता ना हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चालू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हमने ये कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था और इसका जिस दोस्त ने भी सही जवाब दिया है उनके नाम है विजय कुमार, डीजे जोगिंदर राजा, ठीक है, विष्णु ओझा, रेहान ठाकुर और कामता पाल। अब देखेंगे हम इस प्रश्न के बारे में। विच मोबाइल ऐप वॉज लॉन्च फॉर डिलीवरी ऑफ डीजल एट द डोर, यानी कि दरवाजे पर डीजल की डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये मोबाइल ऐप है ऑप्शन नंबर, यानी कि फ्यूल हम सफर नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है दरवाजे पर डिलीवरी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देंगे आज के वीडियो का पहला प्रश्न जो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए चालू करते हैं। CBSE हैज न्यू इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर 2020 and 2021, यानी कि CBSE का 2020-21 के लिए नया ऐच्छिक विषय क्या है। तो नया ऐच्छिक विषय है CBSE की तरफ से दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि अप्लाइड गणित। अब देखिए किस क्लास वाले, यानी किस कक्षा के लिए रखा गया है। तो रखा गया दोस्तों 11th क्लास के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए ये ऐड किया गया। अब देखिए इसके लिए एक शर्त रखी है CBSE ने कि जो भी छात्र 10वीं यानी कि 10th में बेसिक गणित यानी कि अप्लाइड गणित पढ़े रहेंगे उन्हीं बच्चों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर यानी कि 11th में ऐच्छिक विषय के रूप में अप्लाइड गणित दिया जाएगा। अगर वो नहीं पढ़ रहेंगे तो उनको नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा किसने कहा है, CBSE ने। तो CBSE के बारे में हम जान लेते हैं जो आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली राजधानी है भारत की। अब किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है, कम कर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इसके अंडर में कितने स्कूल आते हैं, पूरे देश के स्कूल तो 21,499 स्कूल आते हैं और ये 2019 तक का डेटा है। ठीक है, अब देखिए इसके चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट टाइम के CBSE की हैं दोस्तों, अनिता करवाल, और अनिता करवाल एक IAS अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। ठीक है, हु वाज स्वेयर्न इज एज परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि किसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो शपथ ली है ऑप्शन नंबर, यानी कि राजेश ओसवाल जी ने शपथ ली। अब देखिए इनको शपथ दिलाया किसने, तो इनको शपथ दिलाया जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के प्रेजेंट टाइम के मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल जी, उन्होंने शपथ दिलाई। अब देखिए जो राजेश ओसवाल हैं ये पहले जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की तरफ शपथ लिया है, और इससे पहले जितने भी न्यायाधीश हुआ करते थे वो जम्मू और कश्मीर का संविधान थे उसके तहत उन्होंने शपथ ली थी। और हमको मालूम है कि जम्मू और कश्मीर अभी प्रेजेंट टाइम पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया 5 अगस्त 2019 से। ठीक है, और उसके बाद ये पहली नियुक्ति है किसी भी मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की। और अब देखिए इसी के साथ जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीश हो गए इनको लेकर, यानी कि उससे पहले 8 न्यायाधीश थे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम जम्मू और कश्मीर के बारे में। देखिए जम्मू और कश्मीर, इसकी राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। इसके गवर्नर कौन है प्रेजेंट टाइम की, और इसके पहले गवर्नर हैं वह जगदीश चंद्र मुर्मू। इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 4 हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। ठीक है, अभी केंद्र शासित प्रदेश बना कब, केंद्र शासित प्रदेश बना दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, और इसी के साथ 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भारत में। इसका राजकीय जानवर कौन सा है, कश्मीरी हंगुल। राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। राजकीय फूल है कमल का फूल और राजकीय पेड़ है चिनार का पेड़ दोस्तों। ठीक है,
अब देखिए, अब हम देख लेंगे नगला प्रश्न। वेयर डिड कोस्ट गार्ड डिजाइन द टेम्परेचर सेंसर गन, यानी कि कहाँ की कोस्ट गार्ड ने तापमान संवेदन गन डिजाइन किया है। अब देखिए ये गन डिजाइन किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई के कोस्ट गार्ड ने इसको बनाया है। अब देखिए ये बहुत ही सस्ती, यानी कि 1000 से भी कम रुपए इस पे लागत आई इसको बनाने पर। और आमतौर पर जो भी गन मिलती है टेम्परेचर मापने का, वो बहुत ही ज्यादा उसका रेट होता है, इसके तहत ये बहुत कम है। अब देखिए ये दिया जाएगी जितने भी कोस्ट गार्ड है उनको इंटरनली चेकअप के लिए जाएगी, COVID-19 का पता कि उसमें बुखार आता है तो बुखार नापने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा इंटरनली तौर पर। अब देखिए कम से कम कितना डिग्री हम माप सकते हैं, तो देखो दोस्तों 0.02 डिग्री सेल्सियस हम इस गन से माप सकते हैं। अब देखिए इसको बनाया किसने, तो बनाया दोस्तों नेवल डॉकयार्ड, और नेवल डॉकयार्ड कौन सा, मुंबई वाला, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर कितने कर्मी उसमें काम करते हैं, तो काम करते हैं दोस्तों 20,000 लगभग कर्मी है वो काम करते हैं मुंबई के कोस्ट गार्ड सेंटर पर, ठीक है। अब कितने उसमें नौ सैनिक है, तो नौ सैनिक दोस्तों 285 उसमें से नौ सैनिक है, ठीक है दोस्तों। हमने इसको इतना देखा, और हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। विच लोकोमोटिव वर्क सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकल्स, यानी कि किस लोकोमोटिव वर्कर्स ने सर्वाधिक संख्या में लोको बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्रंजन लोकोमोटिव ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो भी ट्रेन इंजन होते हैं उसको बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अब कंपनी कहाँ है दोस्तों, तो कंपनी है पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला में ये कंपनी है, और ये भारत की सबसे पुरानी लोकोमोटिव कंपनी है, ठीक है। अब देखिए कितने लोको बनाने का इसने रिकॉर्ड बनाया, तो रिकॉर्ड बनाया तो 431 लोको बनाने का इसने रिकॉर्ड बनाया, और किस सत्र में, 2019 और 2020 सत्र में बनाया रिकॉर्ड दोस्तों, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बनाने का इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि 2018-19 में इसने 402 लोको बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, और अब की बार कितना मान दिया, 431 लोको। अब देखिए ये 5 साल में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड आया है बनाने का, लगभग 75% से ज्यादा परसेंटेज हो गई है बनाने की, ठीक है। अब देखिए 2014-15 में ये लगभग 250 का इसका एवरेज था बनाने का, लेकिन अब कितना बना दे रहा है, ये 431, जो भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। बनाया किसने, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। अब ये है कहाँ, है दोस्तों पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में ये स्थित है कंपनी, और भारत की सबसे पुरानी लोकोमोटिव कंपनी, हमको इतना ही बस याद करना है, ओके दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाउ मेनी पीपल वर इन्फेक्टेड विद द ग्लोबल कोरोना वायरस, यानी कि ग्लोबल कोरोना वायरस से संक्रमित लोग कितने हो गए, तो संक्रमित लोग हो गए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 मिलियन से अधिक लोग पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। अब देखिए 1 मिलियन मतलब कितना, मिलियन मतलब दोस्तों 10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। देखिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड करते टाइम इनकी संख्या दोस्तों 10,41,126 व्यक्ति संक्रमित हैं कोरोना वायरस से, ठीक है। इसमें से मौत कितनी, क्योंकि मौत हो गई है 55,132 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस वायरस से, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कौन सा देश इससे संक्रमित है, तो संक्रमित है दोस्तों यूएसए, और यूएसए में कितने लोग हैं, 2,57,367 लोग इससे संक्रमित हो गए हैं पूरे के पूरे अमेरिका में, ठीक है। वहां पे मरे कितने, मैं दोस्तों 6,574 लोग मरे हैं। और ये जो वायरस से कहां से निकला, वायरस निकला जो चीन से, चीन किस शहर से, चीन के दोस्तों वुहान शहर से ये वायरस निकला है। अब देखिए ये आंकड़ा जारी किसने किया है, तो आंकड़ा जारी किया दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये आंकड़ा जारी किया। अब देखिए हम भारत गर्म जानते हैं, तो भारत में टोटल कितने लोग संक्रमित है प्रेजेंट टाइम पर, तो है दोस्तों 2,591 लोग संक्रमित है प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। कितने लोगों की मृत्यु होगी, तो मृत्यु होगी दोस्तों 71 लोगों की इससे प्रेजेंट टाइम पर मृत्यु हो गई है। अब देखिए ये आंकड़ा जारी किसने किया है, WHO ने, तो WHO के बारे में जानते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है
एडोनोम। ओके अब देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 6 नंबर के लिए, विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशिया यूथ गेम्स इन 2021, यानी कि कौन सा देश 2021 में एशिया युवा खेलों के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये देश दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन में तीसरे यानी कि थर्ड एडिशन है एशिया युवा खेल का, उसकी मेजबानी करेगा चीन। अब देखिए ये कब से कब तक होगा, तो होगा दोस्तों 20 से लेकर 28 नवंबर 2021 तक इसका आयोजन किया जाएगा चीन के शांताओ शहर में। कहां पे दोस्तों, चीन के शांताओ शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए इसकी घोषणा की किसने, इसकी घोषणा की ओलंपिक परिषद ने इसकी घोषणा की है। अब देखिए इसमें कौन कौन से खेल मुख्य रूप से होंगे, तो मुख्य रूप से खेलेंगे दोस्तों एथलेटिक्स हो गया, एक्वेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये इनको लेते हुए 18 जो भी खेल होंगे इसमें खेला जाएगा एशिया युवा खेल में। इसका आयोजन कब कहाँ किया जाएगा, चीन में। ठीक है अब देखिए इसको पहली बार कब आयोजन किया गया था, तो पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2011 में हुआ था सिंगापुर में। ठीक है और उसके बाद 2013 में हुआ इसका आयोजन, हुआ था चीन में ही, और तीसरी बार कहाँ हो रहा, चीन में ही 2021 में। अब देखिए जाने थे हम चीन के बारे में, तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग, इसके प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग, प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, और मुद्रा वहां पे कौन चलती है, मुद्रा दोस्तों युआन। ओके अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए, इन विच ईयर वाज रोबर्ट वार्टन क्राउड द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड अप्रैल 2020, यानी कि अप्रैल 2020 में रॉबर्ट वार्टन को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का ताज पहनाया गया, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1908 में उनका जन्म हुआ था, तो किस दिन हुआ था, हुआ दोस्तों 1908 में 29 मार्च को उसका जन्म हुआ था। अब देखिए जन्म किस देश में हुआ था, तो जन्म हुआ था यूके में। अब प्रेजेंट टाइम पर कितनी एज है उनकी, एज तो 112 साल उनकी एज है प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है नाम क्या दोस्तों, नाम है रॉबर्ट वार्टन, और इससे पहले उम्रदराज व्यक्ति कौन थे, तो उम्रदराज व्यक्ति दोस्तों वो जापान के हैं मिस्टर चीटूस वितनबे। ठीक है उनकी भी मृत्यु हुई हाल में, क्या बोलते हैं 23 फरवरी 2020 को उनकी मृत्यु हो गई, तब ये बन गए। अब देखिए हमने पुरुष तो देख लिया, और महिला कौन है सबसे उम्रदराज वर्ल्ड की, ये जापान की है केन तनाका जी। ठीक है इनकी प्रेजेंट टाइम पर एज कितनी है, तो एज है दोस्तों 117 साल प्रेजेंट टाइम पर उनकी एज है, और वर्ल्ड की सबसे उम्रदराज महिला है केन तनाका, वो है जापान की। ओके अब देखते हैं अगला प्रश्न, निर्मल सिंह खालसा का अप्रैल 2020 में निधन हो गया, गुरबानी संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला। तो उनको पद्मश्री मिला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनकी 2009 में उनको पद्मश्री मिला भारत सरकार की तरफ से। ठीक है वह अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में पूर्व हजूरी रागी थे दोस्तों। ठीक है उनकी मृत्यु हुई कैसी, तो उनकी मृत्यु दोस्तों COVID-19 के संक्रमण के कारण की, उनको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया था जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है उनका टेस्ट पॉजिटिव कब आया, तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया दोस्तों 1 अप्रैल 2020 को उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, और 3 तारीख को इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु के साथ ही COVID-19 के कारण अमृतसर में ये पहली मौत है, और पंजाब में ये 5वीं मौत है। ठीक है दोस्तों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न होगा 9 नंबर के, हमारे पास अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। किस राज्य ने राज्य में सभी गौशालाओं के लिए अप्रैल 2020 के लिए पशु के लिए 25 रुपए प्रतिदिन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। तो 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गौशालाओं में एक गाय को दिया जाएगा, ये राज्य बन गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात बन गया है, जो अपने गौशालाओं में प्रति गाय के हिसाब से 25 रुपए प्रतिदिन देगा। अब देखिए इसकी घोषणा की किसने, इसकी घोषणा की मुख्यमंत्री है गुजरात के विजय रूपाणी जी ने, उन्होंने इसकी घोषणा की, और इसी के साथ में जो राजस्व है गुजरात सरकार का उस पर 35 करोड़ रुपए का अधिक बोझ पड़ने की संभावना है। अब देखिए दोस्तों अब हम जानते हैं गुजरात के बारे में, तो देखिए दोस्तों जो गुजरात इसका राजकीय पशु कौन सा है, वह एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, राष्ट्रीय उद्यान है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे
शेर पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखिए इसके बांध कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर है, यह नर्मदा नदी पर। उकाई बांध यह है ताप्ती नदी पर। दंतीवाड़ा बांध यह है बनास नदी पर। कड़ाना बांध यह है माही नदी पर। और एक और इंपॉर्टेंट बांध है कमलेश्वर बांध, यह है हिरण नदी पर। अब देखिए इसकी राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर। इसके चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 26 सीटें हैं। इसके गठन कब हुआ था, गठन हुआ था 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। और अब अपन देंगे आज की वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट, ठीक है। निम्न में से किस में COVID-19 के वायरस से सुरक्षित रखने के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मियों के लिए एक बायोसूट विकसित किया गया है। तो बायोसूट विकसित किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि DRDO ने इसको बनाया किसके लिए, मेडिकल, पैरामेडिकल और उससे जुड़े हुए अन्य जितने भी कर्मी हैं, व्यक्ति हैं, उनके सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया, ठीक है। अब देखिए यह सूट कपड़ा मानदंडों के लिए कठोर परीक्षण के साथ सिंथेटिक रक्त की सुरक्षा करता है। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर इसको कितना बना जा रहा है, तो प्रेजेंट टाइम पर इसका उत्पादन दोस्तों 7000 सूट एक दिन में बनाया जा रहा है, लेकिन आगे इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया 15000 लगभग सूट बनाए जाएंगे एक दिन में। बनाया कौन, DRDO, ठीक है। तब हम DRDO के बारे में जानते हैं, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है DRDO भवन न्यू दिल्ली। अब किस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है, काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंदर में ये काम करता है। और रक्षा मंत्री कौन है भारत के, वो हैं राजनाथ सिंह जी। और DRDO के प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसी के साथ ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था और वीडियो के प्रश्न खत्म हो गए। अब हम देखेंगे आज का प्रश्न, विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री किस देश की है, यानी कि विच कंट्री इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसका जवाब आपको पता है कि कमेंट बॉक्स में देना है, और आप अगर लिख देंगे, आप जितना भी आपको याद होगा वो सारा लिखिएगा, आप लिख देंगे तो आपको मुझे भरोसा कि आपको याद हो जाएगा। और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और तन लाकर मन लाकर पढ़ते रहिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए, ठीक है। और आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया होगा, मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।